तो मैं आया हूँ अभी म्यांमार का वीज़ा के लिए। म्यांमार का वीज़ा बहुत ईजी है। तो वेलकम टू माय चैनल घुमक्कड़ दोस्त। इस वक्त मैं हूँ कोलकाता के बालीगंज में और भाग रहा हूँ वीज़ा के लिए। हाँ सही, मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी देर हो चुका हूँ और अभी बज रहा है 12:15। ठीक 12 बजे मेरा वीज़ा ऑफिस बंद हो जाएगा, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ये वीडियो है वीज़ा, म्यांमार का वीज़ा के लिए। म्यांमार वीज़ा का जो फ़ी है, सबमिशन टाइम है, फ़ी है और जो क्राइटेरिया है म्यांमार वीज़ा के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बिना फ्लाइट के म्यांमार कैसे मिल जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं वीज़ा मिलने के बाद। तो पासपोर्ट मुझे मिल गया और वीज़ा भी पेस्ट हो गया। बहुत आसान था म्यांमार का वीज़ा, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने जैसा है, बस गया और अपना जो एप्लीकेशन था एप्लीकेशन को सबमिट किया, बस मिल गया पासपोर्ट और उसमें वीज़ा भी पेस्ट मेरा है। अगर उसी दिन आप लेना चाहिएगा तो उसके लिए आपको $50 पे करना होगा, अगर आप एक दिन बाद लीजिएगा तो $40 यानी 2800 रुपया। मैं भी गया बस म्यांमार का वीज़ा के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा डू यू हैव फ्लाइट टिकट, तो मैंने कहा मेरे पास फ़्लाइट टिकट नहीं है बिकॉज मैं टामू मोरे यानी मणिपुर और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जो जिसको टामू मोरे बॉर्डर कहते हैं, मैं उस टामू मोरे बॉर्डर को यूज़ करूँगा, तो मेरे पास फ़्लाइट टिकट नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास फ़्लाइट टिकट नहीं है और आप इंडिया का लैंड पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप जब रिटर्न होंगे फिर आपको वही लैंड पोर्ट यूज़ करना होगा। मीन्स आप लैंड पोर्ट यूज़ करके आप उसमें एंट्री कर रहे हो म्यांमार में और वापस आप फ्लाइट से नहीं आ सकते हो। आप अगर एंट्री लैंड पोर्ट में कर रहे हो, लैंड पोर्ट से कर रहे हो, तो आपको एग्जिट भी लैंड पोर्ट से ही करना होगा। और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको वापस भी फ्लाइट से ही आना होगा। मीन्स यू हैव टू शो योर रिटर्न टिकट। तो म्यांमार वीज़ा के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाना पड़ा, लाइक होटल बुकिंग नहीं दिखाना पड़ा, मुझे टिकट भी नहीं दिखाना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जाऊंगा टामू मोरे बॉर्डर से, तो मैंने कुछ भी नहीं शो किया। और मैंने वीज़ा का जो फ़ी है 2800, वीज़ा का जो फ़ी है 2800, मैंने वो 2800 रुपये पे किया और मुझे संग रसीद मिल गया। सबमिट का टाइम है 10 बजे से 12 बजे तक और कलेक्शन यानी वीज़ा कलेक्शन का टाइम है, पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम है 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन। ये वो एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ वीज़ा ऑफिस यहीं पे मिलते हैं। मैं जब इटली के लिए वीज़ा जब अप्लाई किया था तो मैं भी उस समय भी मैं इसी एरिया में आया हुआ था, और रसिया के लिए जब अप्लाई किया था तो भी मैं इसी एरिया में आया था, और म्यांमार के लिए भी इसी एरिया में आया हूँ। ये बालीगंज न्यू अलीपुर जो एरिया है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वीज़ा ऑफिस है। एक दिन बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो वीज़ा $40 मिलेगा। तो मुझे कोई अर्जेंट वीज़ा का ज़रूरत नहीं था तो मैंने $50 नहीं पे किया, मैंने पे किया $40, क्योंकि यहाँ से मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो $40 मैंने पे किया यानी 2800 रुपये। अगर आपका घर यहाँ से कोलकाता से काफ़ी दूर है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करें जिसका फ़ी है $50 यानी 3500 रुपये। इतना सारा वीज़ा का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीज़ा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आपका म्यांमार का वीज़ा का जो डिटेल्स है वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।